दंतेवाड़ा में नक्सल उन्मूलन अभियान आईजी बस्तर रेंज श्री पी सुंदरराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा श्री कमलचंद कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ श्री विकास कटेरिया सर के अंतर्गत नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। उसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज 5 मई को जिला पुलिस दंतेवाड़ा के समक्ष 35 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 3 एक-एक लाख के इनामी माओवादी भी हैं। ये जो माओवादी हैं ये भैरमगढ़, मलंगिर और कटे कल्याण एरिया के कमेटी में सक्रिय थे और नक्सली बंद, रोड काटना, विरोध करना, पेड़ काटना, बैनर पोस्टर लगाना और ऐसे अन्य जैसी घटनाओं में शामिल थे। इसके साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो 35 आत्मसमर्पित जिन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है हमारे पास, उसमें विशेष योगदान में 111 बटालियन CRPF, RFT, CRPF और DRG का विशेष योगदान रहा है, जिसमें हमें लगभग 35 आत्मसमर्पित माओवादियों ने समर्पण किया है। इससे जो लोन वराटू अभियान है, जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति है और जो दंतेवाड़ा जिले का लोन वराटू अभियान घर वापस आई अभियान है, इसका मैं समझता हूँ एक व्यापक असर है, जिसकी वजह से भारी संख्या में माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। लोन वराटू अभियान के तहत अभी तक टोटल जो आंकड़ा है वो 796 माओवादियों ने समर्पण किया, जिसमें से 180 इनामी माओवादी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले ही महीने अप्रैल में लगभग 76 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया था और मई में अभी 35 ने समर्पण किया है। इनको पुनर्वास नीति, छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति के तहत सभी को प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपये दिया जाएगा और जितने अन्य शासन की जो सुविधाएं, जो बेनिफिट्स है वो भी उनको मुहैया कराया जाएगा। और आप ही के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये भी कहना एक अपील करूँगा ग्रामवासी से, सभी से, कि जितने भी ऐसे लोग हैं जो माओवादी संगठन में जुड़े हैं, उनकी जन विरोधी, विचार विरोधी, विकास विरोधी जो विचारधारा है उनको छोड़ें, आत्मसमर्पण करें, अपने जो क्षेत्र का, जिले का और राज्य का जो विकास है उसका भागीदारी बने और इसी के तहत हमारी जो लोन वराटू अभियान है उसका पार्ट बने, आत्मसमर्पण करें। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।